धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना। कैसी हो दीदी? गुड यार। धीरे धीरे रंग उतरेंगे गहरे, तितली सोमवार से रविवार रात 11 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। रहेगा कि फोन भी नहीं लग रहा है। अमन किसी भी वक्त आता ही होगा। लड़की भी ना। अवंती मेहता और हेतल भी आ गए हैं अमन को लेने। अवनी क्यों नहीं आए अब तक? फोन बजता है। अनन्या का फोन है। फोन ही नहीं उठा रही है लड़की, हमेशा टेंशन देती है मुझे। हे भगवान, मेरे दोनों बच्चों पर कोई मुसीबत ना है। अगर मैं फोटोज अनन्या के फोन से खींच दूं, यहाँ अनन्या का पत्ता कट और वहां नील को लगेगा ये सारा खेल अनन्या का रचा हुआ है। अब ड्रामा में लगेगा असली मिर्च मसाले का तड़का। फोन काट क्यों दिया? जी भैया लड़की, पहले तो फोन उठा नहीं रही थी, अब फोन कट करी। मेरा फोन कहाँ गया? भीमा, भीमा मेरा फोन मैंने यहीं रखा था, तुमने देखा क्या? नहीं। अच्छा प्लीज तुम ढूंढने में हेल्प कर दो ना। आप उधर देखो, मैं उधर देखती हूँ। मैं वहां देखती हूँ। तुम कहाँ रख दिया मैंने? अमन की फ्लाइट किसी भी वक्त लैंड कर सकती है। माँ का फोन? Thank you.
आपका फोन था। नीश, मेरा फोन वापस दो। मेरा फोन दो वापस। नील, फोन दो मेरा। कब से बोल रही हूँ, सुनाई नहीं देता क्या? फोन दो मेरा। नाटक मन करो, फोन दो। ये रोने का नाटक बंद करो रिया। अभी थोड़ी देर पहले तुम शादी की बात कर रही थी और अब ये घटिया हरकत। रिया, नील से कहो ना मेरा फोन वापस देने के लिए, मुझे जाना है। अरे नील, नील मेरा फोन वापस दो। मुझे मेरा फोन वापस दो। दो मुझे मेरा फोन वापस। सॉरी। इतनी घटिया हरकत कैसे कर सकती हो तुम रिया? तुमसे वादा किया था मैं कि हर पल हर वक्त तुम्हारा साथ दूंगा और तुमने ये। डिस्गस्टिंग। सॉरी नहीं, आई एम रियली सॉरी। मुझे लगा कि कल रात के इंसिडेंट के बाद तुम ये शादी ना तोड़ दो। सॉरी। लिसन, प्लीज मुझे मेरा फोन दे दो, फिर तुम दोनों को जितना ड्रामा करना है ना कर लेना। तुम्हें लगा कि ये सब करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, राइट? तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है कि कितना बड़ा क्राइम है और तुम्हें लगा ये सब करने से सब कुछ ठीक होने वाला है? तुम्हारा ये तरीका ठीक करने का, हाँ? और तुम यार, तुम्हारा क्या लेना देना हमारी लाइफ से? तुम जब भी आती हो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करती रहती हो। और मुझे लगता है कि मेरे जूस में जो दवाई है वो तुमने मिलाई है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये अब समझ में आया किस क्राइम की बात कर रहा हूं मैं? समझ में आ रही है? ये मेरे फोन में, मैंने कुछ नहीं किया है। रिया, रिया तुम तो जानती हो ना कि मैं ऐसा कभी कर ही नहीं सकती। तुम बताओ ना नील को कि मैंने कुछ नहीं किया है। पुलिस ऑफिसर हूं और तुम जैसे लोगों के रग रग से वाकिफ हूं। पूरा दिन मैं अपने गलत बिहेवियर को लेके पछताता रहा। तुमसे माफी भी मांगी। यू नो व्हाट, तुम जैसे लोग तो माफी के काबिल ही नहीं। तुम्हारे बारे में मेरी सोच बिल्कुल सही थी। तुम एक लो स्टैंडर्ड की गिरी हुई लड़की हो जो कोई भी हद पार कर सकती हो। रिया, बोलो ना कि ये सब कुछ बकवास है, झूठ है, बोलो। तुम्हारे कहने पे तो ये सब किया मैंने नन्ने। तुमने ही तो बोला था कि नील को फोन करके यहाँ बुलाओ और ये सब करने से सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ ठीक नहीं हुआ ना। नील तो और ज्यादा नाराज हो गया है। बस बंद करो अपनी बकवास। तुम अच्छे से जानती हो ना कि मैंने कुछ नहीं किया, तो फिर बोलती क्यों नहीं तुम इसको? खबरदार, तुम्हारे बहकावे में आके जो क्राइम उसने करना था वो ऑलरेडी कर चुकी। हालांकि वो माफी के लायक तो नहीं है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बनाए हुए प्लान को एग्जीक्यूट कर रही थी। आई एम श्योर कि सारा प्लान तुम्हारा क्रिएटेड था। फाइनली आज तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने आ गया। उम्मीद करता हूं कि आज के बाद हम दोबारा कभी ना। बिल्कुल ठीक कहा तुमने,
आज के बाद मुझे भी तुम्हारा चेहरा कभी देखने को ना मिले। क्या बात है रिया, क्या समझदारी दिखाई है। नील भी वापस मिल गया और कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई। गुड जॉब। सॉरी अनन्या, आई एम रियली सॉरी।